आकाशवाणी में 40 वर्ष मुझे हो गए, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अभी हमारे भाई ने कहा कि 38 वर्ष लग गए आकाशवाणी को, कितने आबादी तक पहुँचने में, और 5 करोड़ तक की आबादी में पहुँचने में, और 15 साल लग गए दूरदर्शन को उस आबादी तक पहुँचने में, क्यों लग गए ये कभी किसी ने सोचा? आज तक आकाशवाणी के इतिहास में, रेडियो के इतिहास में सिर्फ एक ऐसा प्रसारण गलत हुआ, सिर्फ एक, ना उसके पहले ना उसके बाद, और वो प्रसारण था जयप्रकाश नारायण की मृत्यु का। ये सूचना आकाशवाणी से पहली और आखिरी बार ये ऐसी सूचना थी जो गलत प्रसारित हुई, और उसके बाद कम से कम 8 ऐसी एडवाइजरी जारी हुई कि किसी डिग्निटी की, किसी ऐसे व्यक्तित्व की अगर मृत्यु की खबर प्राप्त होती है तो उसके लिए किस प्रोसीजर को अपनाया जाए, किस प्रक्रिया का पालन किया जाए। तो कारण यही है कि आकाशवाणी हो चाहे दूरदर्शन, उसकी एक निश्चित आचार संहिता रही है, शुरू से रही है, और उस आचार संहिता में बहुत सी बातें हैं, उनमें नहीं जाना जाता हमारे आकाशवाणी के यहाँ कुछ बंधु मौजूद हैं वो जानते हैं, लेकिन उसमें कोई भी खबर, कोई भी सूचना, कोई भी ऐसी बात न की जाए जिससे कि जनमानस पर उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़े। जब हम कोई खबर, कोई सूचना जब हम देते हैं, उसे किस रूप में देते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज वेब पोर्टल हो, चाहे सोशल साइट्स हो, चाहे तमाम चैनल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हो, उन पे जो दिखाया जाता है उसके लिए एक मानक, एक आचार संहिता का होना बहुत ज़रूरी है, मेरा तो ऐसा मानना है। और मैं ये नहीं कहता कि मैं जो मानता हूँ वो आप भी माने, उसे भी स्वीकार करें। जैसा मैंने कहा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, सारी मेरे काम की नहीं है, सारी मेरे स्वीकार करने के योग्य नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैंने किया है। तो आप जो आत्मचेतना आपकी है उससे स्वीकार करें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जब मैं देखता हूँ हमारे यहाँ, जब कभी हम न्यूज़ में या किसी फीचर में या किसी ड्रामा में हमारे आचार संहिता में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि आप तो किसी धर्म विशेष के नारे आप 2 मिनट तक लगवाते रहें, यहाँ तक कि बम और गोलियों की आवाज़ भी आप 5 सेकंड से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सब आचार संहिता बनाई हुई है। हम कितना डिस्कशन और किस तरह से डिबेट हम कितना हम करा सकते हैं, उसकी एक आचार संहिता बनी हुई है। आज आज जब हम देखते हैं कि बहुत सारे विषयों पर डिबेट कराए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर, मुझे नहीं लगता है कि उस डिबेट से एक आम आदमी को कुछ हासिल होता है, मुझे नहीं लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे हमको आपको कुछ हासिल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस डिबेट में आकर के वो बड़े व्यक्तित्व बन जाते हैं और मीडिया भी उन्हें ग्लोरीफाई करने की कोशिश करने लगता है। मैं किसी मीडिया का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं जो देखता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, किया है, मैं सिर्फ वही आपके सामने रखता हूँ। तो जब कभी बहुत सी बात होती है, अभी हाथ के नाम में लोगों की जबान फिसल जाती है, क्यों जबान फिसल जाती है? कई रिपोर्टर का भी हमने देखा है कि बोलना कुछ होता है, बोल कुछ चाहते हैं, और डिबेट में तो अक्सर ऐसा होता है, पहले जबान फिसल जाती है, फिर माफी मांगने का सिलसिला शुरू होता है, और उसको तमाम चैनल एक साथ पकड़ के बैठ जाते हैं। मुझे तो लगता है कि एक आचार संहिता इस बात की होनी चाहिए कि अगर न्यूज है तो न्यूज ही दिखाई जाए इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे, और इन डिबेट्स के लिए अगर OTT प्लेटफॉर्म है या दूसरे प्लेटफॉर्म है जो कि खरीद के देखे जा सके, जो महंगे हैं, ताकि उसकी संख्या को सीमित की जा सके। तो उस डिबेट में क्या होता है, एक दूसरे के विरुद्ध बैठे हैं और एक दूसरे की आलोचना करते हैं, कई बार तो बात तक नहीं सुनाई देती। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सकारात्मक एक प्रभाव छोड़ता है।
तो आज अगर हम मीडिया के रोल या भूमिका की बात करें, उसके पीछे की सोच, चाहे जमाना प्रिंट मीडिया का रहा हो, चाहे रेडियो का रहा हो, चाहे टेलीविजन का रहा हो, दूरदर्शन का रहा हो, चाहे आज वेब पोर्टल तक हम चले गए हैं, लेकिन एक एथिक्स जिसे हम कहते हैं, सौंदर्य शास्त्र जिसे कहते हैं, मीडिया का सौंदर्य शास्त्र और एक आचार संहिता, ये चाहे कोई बनाए, सरकार बनाए, चाहे मीडिया के जो जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो बनाए, लेकिन एक आचार संहिता का होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये बहुत बढ़िया है कि ये वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और बहुत सारी बातों का आदान प्रदान हुआ। इस तरह के वर्कशॉप की आवश्यकता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की लगातार आवश्यकता है कि जो नए जर्नलिस्ट पत्रकार बंधु आ रहे हैं उनके बीच उनकी ट्रेनिंग हो और वो क्या करना है, कैसे करना है, इस पर बातचीत हो, इस पर विमर्श हो और इस पर विशेषज्ञों को बुलाकर उनकी राय ली जाए और उसके अनुरूप काम किए जाए। बातें बहुत हैं लेकिन मुझे लगता है समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।